हेलो फ्रेंड्स, मैं भूपेंद्र पाल, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय करौली, प्रवक्ता रसायन। आज हम प्रथम वर्ष के लिए अप्लाइड केमिस्ट्री के सब्जेक्ट कोड 103 में यूनिट नंबर 9 से फ्यूल में से पेट्रोल की ऑक्टेन नंबर के बारे में पढ़ेंगे। पेट्रोल की ऑक्टेन नंबर क्या होता है, इसको समझने से पहले हमें नॉकिंग समझना होगा कि एक्चुअल में नॉकिंग क्या होती है। मैंने यहां पे लिखा भी है, देखिए नॉकिंग। जब किसी पेट्रोल इंजन को उच्च भार, मतलब उसका वेट क्या हो, उसके ऊपर वेट क्या हो, ज्यादा हो एवं कम गति पर चलाया जाता है तो उसके दहन कक्ष में असाधारण दहन की क्रिया होती है जिससे एक विशेष प्रकार की आवाज आती है जिसे रैटलिंग या फिर नॉकिंग कहलाती है। मतलब कि जब हम किसी इंजन के ऊपर, जैसे मान लीजिए किसी बाइक के ऊपर आप उसके ऊपर बैठते हैं और उसकी स्पीड को बिल्कुल धीरे धीरे आप बढ़ाते हैं तो आप देखेंगे उसमें बाइक थोड़ा रुकती है, फिर चलती है, फिर रुकती है, फिर चलती है, एक ब्रेक के बाद फिर वापस चलती है, क्योंकि उसके ऊपर वेट आपने ज़्यादा रखा हुआ है, खुद आप बैठे हुए हैं और आपने स्पीड को बहुत कम कर रखा है। उसमें से जो आवाज़ आती है विशेष प्रकार की, वो रैटलिंग या नॉकिंग कहलाती है। अब इससे होता क्या है कि इस क्रिया से सिलेंडर के अंदर जो आपका इंजन है उसका टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है तथा उसकी इंजन की दक्षता क्या होती है, कम हो जाती है। यहाँ मैंने दिखाया भी है एरोस नीचे, और ये देखिए इस क्रिया में सिलेंडर का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। तो नॉकिंग तो आपको सुन में आ ही गया होगा कि जब किसी पेट्रोल इंजन के ऊपर उच्च भार और कम गति पर चलाया जाता है तो उसके दहन कक्ष में एक असाधारण क्रिया होती है जिसे हम नॉकिंग कहते हैं। और ये जो क्रिया होती है ये वायु की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, O2 की उपस्थिति। अब हम बात करते हैं ऑक्टेन नंबर, क्योंकि ऑक्टेन नंबर एंटी नॉकिंग गुण को ही दर्शाती है, इसलिए इसको समझना जरूरी था। ऑक्टेन नंबर क्या है पेट्रोल की? ऑक्टेन नंबर पेट्रोल की एक फ्यूल एफिशिएंसी, एक पैरामीटर है जिससे हम उसकी क्वालिटी को मेजर करते हैं। मतलब ये कह सकते हैं आप कि क्वालिटी मेजर करने का एक पैरामीटर है पेट्रोल के या गैसोलीन के लिए। सबसे पहले इसको एक इडगर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1972 के अंदर इसको बताया कि गैसोलीन के लिए भी एक उसकी क्वालिटी मेजर करने के लिए पैरामीटर होना चाहिए। उन्होंने पेट्रोल के लिए सजेशन दिया ऑक्टेन नंबर, और तब से ही हम ये लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया कि किसी पेट्रोल की ऑक्टेन नंबर को कैसे ज्ञात करें, तो उन्होंने कहा कि इसके एंटी नॉकिंग गुण को जो दर्शाती है, मतलब एंटी नॉकिंग इसके विपरीत नॉकिंग के, और हम भी जानते हैं कि हमें इससे इसके अपोजिट ही चाहिए। एंटी नॉकिंग गुण को दर्शाती है। दूसरा बताया उसने कि पेट्रोल को जो आईसी इंजन में डाला जाता है, जब पेट्रोल आईसी इंजन में जाता है, जो उसका दहन कक्ष है उसमें जाता है, तो वायु के साथ असाधारण रिएक्शन होती है जिससे उसमें क्या होता है, उसका प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है, और दाब उसके अंदर बढ़ जाता है जिससे नॉकिंग की रिएक्शन संपन्न होती है। अब देखिए जितना ज्यादा हाई ऑक्टेन नंबर होगा, उन्होंने कहा उतना ही क्या होगा, वो गुड एंटी नॉकिंग टेंडेंसी वाला पेट्रोल या गैसोलीन होगा, और उतना ही वो क्या होगा, गुड फ्यूल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें कोई पेट्रोल अगर हमारे इंजन में या हमारे इंजन के लिए चाहिए तो आप हमेशा हाई ऑक्टेन नंबर वाला पेट्रोल डालें। अब बात आती है कि ऑक्टेन नंबर के अंदर कौन कौन से कंटेन है, कौन कौन से केमिकल से मिलकर बनाया गया। तो उन्होंने कहा कि जब अलग अलग केमिकल्स को, उन्होंने पेट्रोल की जो सीरीज थी, आपको ध्यान होगा मैंने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आपको बताया भी था कि पेट्रोल की जो सीरीज है वो C5 से लेकर C9 तक है, उसमें से उन्होंने कंटेन निकालना स्टार्ट किए कि जो इस कंटेन के बीच में थे, जो आते थे, और उनकी ऑक्टेन संख्या उन्होंने निकालना स्टार्ट किया। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने हर एक केमिकल की ऑक्टेन संख्या निकालना स्टार्ट किया तो उन्होंने पाया कि जो आइसो ऑक्टेन उनको मिला उसकी ऑक्टेन संख्या 100 प्राप्त हुई, और इसके विपरीत बिल्कुल अपोजिट एन हेप्टेन था, जो मैंने देखो यहाँ पे मेंशन भी किया अलग अलग, उसकी ऑक्टेन संख्या उन्होंने 0 प्राप्त हुई। अब इसकी 100 और इसकी 0 ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे आपके सामने मैंने इसका फॉर्मूला भी लिखा है जो, और ये क्या होती है, नॉर्मल चेन होती है, इसको एन हेप्टेन कहा जाता है, एन मतलब नॉर्मल, एक सीरीज सीरीज श्रृंखला। इन्होंने 100 कैसे पाया, इन्होंने देखा कि इसके अंदर जो नॉकिंग का गुण था
वो बिल्कुल भी नहीं था, मतलब एंटी नॉकिंग गुण हाई था, नॉकिंग गुण बिल्कुल कम था। जबकि इसके विपरीत एन हेप्टेन के अंदर एक बैडली आवाज आ रही थी और बहुत ज्यादा आवाज कर रहा था, इसलिए इसकी नॉकिंग का गुण क्या रखा उन्होंने, जीरो रखा, कि ये कोई भी मदद नहीं करता पेट्रोल के अंदर, तो इसलिए इसका पैरामीटर क्या रखा उन्होंने, शून्य रखा। ऐसा नहीं है कि किसी किसी भी केमिकल की ऑक्टेन नंबर 100 नहीं है, 100 से ऊपर ही प्राप्त हुए, जैसे एनिलीन था उसका 100 से ज्यादा प्राप्त हुआ, 112 के आसपास प्राप्त हुआ। आप ये देखेंगे कि जैसे जैसे हम कार्बन श्रृंखला के अंदर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को मेंशन करते हैं और रिंग को मेंशन करते हैं तो आपकी ऑक्टेन संख्या बढ़ती है। लेकिन इसके अंदर जो आइसोक्टेन था इसमें एंटी नॉकिंग 100 था और इसमें बिल्कुल भी नॉकिंग का गुण नहीं था, और हमें भी यही चाहिए कि जब हम किसी इंजन के अंदर पेट्रोल लाते हैं तो हमारा नॉकिंग का गुण नहीं हो, मतलब गाड़ी आपकी बिल्कुल स्मूथ चले, इंजन बिल्कुल टेम्परेचर मेंटेन करता हो चले। अब बात आती है इसकी डेफिनेशन की कि दोनों हाइड्रोकार्बन, मतलब हाइड्रोकार्बन मतलब आइसोक्टेन प्लस एन हेप्टेन, ये आइसोक्टेन है ये एन हेप्टेन है, दोनों हाइड्रोकार्बन को विभिन्न अनुपात में मिलाकर पेट्रोल बनाया जाता है जिसकी ऑक्टेन संख्या को 0 से लेकर 100 के बीच में रखा जाता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि कितनी मात्रा में आपने आइसोक्टेन लिया और कितनी मात्रा में आपने एन हेप्टेन लिया। लेकिन इन्होंने तो एक डेफिनेशन दे दी कि इन दोनों हाइड्रोकार्बन को मिला के आपने पेट्रोल को बनाया है जिसकी ऑक्टेन नंबर को आपने 0 से लेकर 100 तक मेंटेन रखा है। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ऑक्टेन नंबर का जो पैमाना था वो 0 से 100 रखा गया, आइसो ऑक्टेन तथा एन हेप्टेन को इसी मिश्रण के अनुपात को ऑक्टेन नंबर कहा गया। अब आपसे कोई पूछे कि ऑक्टेन नंबर क्या होता है तो आप बता सकते हैं कि ऑक्टेन नंबर दो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है जिसमें आइसो ऑक्टेन तथा एन हेप्टेन है, आइसो ऑक्टेन को 100 माना गया तथा एन हेप्टेन को 0 माना गया है तथा इन दोनों के अनुपात को ही ऑक्टेन नंबर कहा गया है। अब एक्चुअल में ऑक्टेन नंबर जो आया है वर्ड, ये कहा जाए डायरेक्टली तो ये एक्चुअल में सीधा सीधा आइसो ऑक्टेन से प्रभावित होता है कि जितनी ज्यादा आपने आइसो ऑक्टेन की मात्रा ली है वो ही उसका ऑक्टेन नंबर कहलाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर किसी पेट्रोल की ऑक्टेन संख्या 80 है तो आप कह सकते हैं कि उसमें 80% तो क्या है आइसो ऑक्टेन और 20% क्या है एन हेप्टेन। अगर आपसे कहा जाए यदि किसी पेट्रोल में पेट्रोल की ऑक्टेन संख्या 91 है तो आप कह सकते हैं कि 91 मतलब 91% तो उसके अंदर क्या है आइसो ऑक्टेन तथा 9% क्या है उसके अंदर एन हेप्टेन। इसका मतलब इन दोनों को मिला के हमें कितना करना है 100 करना है। तो आप समझ गए होंगे कि किसी पेट्रोल की यदि ऑक्टेन संख्या अगर हमें दी गई है तो हम उसके अंदर परसेंटेज मात्रा निकाल सकते हैं आइसो ऑक्टेन और एन हेप्टेन की। अब मानव ने या इंसान ने ऑक्टेन नंबर को बढ़ाने के लिए इन दोनों के अलावा और भी केमिकल इस्तेमाल में लिए, जैसे टेट्रा एथिल लेड मैंने लिखा है यहाँ पे और टेट्रा मेथिल लेड भी लिखा है। इन दोनों को भी अगर हम पेट्रोल के अंदर मेंशन करते हैं या मिलाते हैं तो आप देखेंगे कि ये ऑक्टेन नंबर संख्या को बढ़ा देते हैं, और आप देखें ये ऑक्टेन नंबर की संख्या को 91 या 93 तक ले जाते हैं। इससे पहले मैंने अगर मेरा आपने वीडियो लेक्चर देखा हो तो उसमें मैंने बताया था पावर एल्कोहल की बात की थी और उसके अंदर मैंने एथिल एल्कोहल मिलाया था, और एथिल एल्कोहल भी क्या करता है ऑक्टेन नंबर को बढ़ा देता है। या फिर आप टोलुइन को भी मेंशन कर सकते हैं, टोलुइन भी ये काम करता है अगर टोलुइन को आप बढ़ाते, क्योंकि इनकी जो ऑक्टेन नंबर है वो 100 से ऊपर प्राप्त होती है और ये एनहेंस करते हैं ऑक्टेन नंबर को। अब इसकी एक स्पेसिफिक समरी मैंने बनाई है जिसको आप कह सकते हैं कि सिग्निफिकेंस बोल सकते हैं आप इसको, कि ऑक्टेन नंबर अगर आपको बढ़ाना है तो आपको नॉकिंग क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, मतलब एंटी नॉकिंग का गुण लेके आना पड़ेगा। फ्यूल के नॉकिंग करेक्टर क्या होते हैं, कम होने चाहिए, सिस्टम ऑफ ग्रेडिंग ऑफ गैसोलीन बताता है ये, और हाई कंप्रेशन इंजन मेजर ऑफ सुटेबिलिटी ऑफ फ्यूल ऑफ पेट्रोल। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि ऑक्टेन नंबर क्या है, हम दोनों ने इससे पहले वाले देखी दोनों से आपको समझ में आ गया होगा नॉकिंग और ऑक्टेन नंबर क्या है। ये एक ब्रीफ आइडिया था, मैं ज़्यादा डिटेल में मैंने इसको नहीं बताया है क्योंकि कोर्स में इतना है।
थैंक यू।